गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द लास्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया दैट इज़ द आइलैंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द टॉपिक यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड जो पहले फिजिकल फीचर्स हमने पढ़ी हैं इंडिया की उसमें हम देख चुके हैं कि इंडिया का मेन लैंड जो है बहुत ही विस्तृत है बिसाइड दिस और इसके अलावा द कंट्री हैज़ ऑल्सो टू ग्रुप्स ऑफ तो भारत में दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं जो आप इजीली बड़ा जानते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द अदर वन इज लक्षद्वीप आइलैंड्स कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड्स ग्रुप्स क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप्स लाइंग टू द लाइन क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला अब हमें पता है कि इंडिया का जो ये पार्ट है पेनंसोला वाला इसके इस साइड पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड और ईस्टर्न साइड पे यहाँ पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हैं दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स सो जो ये यह यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स बने हैं ये कोरल रीफ से बने हुए हैं कोरल आइलैंड्स हैं कोरल क्या होते हैं रीफ्स क्या होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपने संख टाइप के देखे होंगे तो वो क्या होता है कि डेड होने के बाद हार्ड हो जाते हैं और जब वो सारे एक जगह पर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं तो उससे मिलकर ये बने हुए हैं अर्लियर दे वर नोन एज लाकादेव मिनीकोय एंड अमिनी सो लक्षदीप आइलैंड्स को पहले लाकादीव मिनी और अमिनी नाम से जाना जाता था इन 1973 सेवेंटी थ्री दीज वर नेम्ड एज़ लक्षद्वीप सो नाइनटीन सेवनटी थ्री में नाइनटीन सेवनटी थ्री में इनका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया है इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ थर्टी टू स्क्वायर किलोमीटर सो इसका जो एरिया है वो बहुत ही छोटा सा ही है थर्टी टू स्क्वायर किलोमीटर है कावरती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडकोर्टर ऑफ़ द लक्षद्वीप सो जो इसकी हमें पता है कि जो लक्षद्वीप है और एंडमान निकोबार आईलैंड दोनों ही यूनियन टेरेटरीज भी हैं so, सो की जो कैपिटल है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है वो कवरती है लक्षद्वीप का दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं द पी टी आईलैंड विच इज़ अन इनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी पी टी आईलैंड है जो कि अन इनहहीबिटेड है यानी कि वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं यहाँ पर एक थोड़ा क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टोटल है, आइलैंडस हैं लक्षद्वीप में थर्टी सिक्स हैं जिनमें से पहले इलेवन जो थे वो इन्हीबिटेड थे यानी कि ग्यारह पर लोग रहते थे परंतु अब ये टेन हो गए यानी कि दस पे ही लोग रहते हैं और बाकी सारे जो है अन इन्हीबिटेड हैं सो इसके बारे में थोड़ा सा मैप पर देखते हैं हम एक बार सो यदि जूम करके इसको देखा जाए ये इंडिया का मेन लैंड है इंडिया का मेन लैंड यहाँ पर है यहाँ पर केरला कोस्ट है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें अरेबियन सी में जो हमारा आता है लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पर है ये कवरती इसकी कैपिटल है यहाँ पर और मिनी आइलैंड जो बिल्कुल यहाँ पर नीचे की साइड है पीटी आइलैंड जिस पर बोला गया है कि सेंचुरी वहाँ पर बनी हुई है वो कवरती के बिल्कुल यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है लाया करता है पीटी आइलैंड ना यू सी द एलोंगेट चेन ऑफ आईलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगल एक्सटेंडिंग फ्राम नॉर्थ टू साउथ अब लक्षद्वीप तो हमारे कहाँ पर है अरेबियन सी की साइड है बे ऑफ बेंगोल की साइड भी हमारे पास एक एलोंगेटेड एन के बिल्कुल लंबा बना हुआ एक आइलैंड्स की चेन है जो कि नॉर्थ टू साउथ चले जाते हैं दीज आर अंडेमान एंड निकोबर आईलैंडस दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एज एंड स्कैटर्ड सो so, लक्षद्वीप की कम्पैरिजन में इनको देखें तो इनके नंबर ज़्यादा है। है। हैं लक्षद्वीप केवल थर्टी सिक्स आईलैंड हैं यहाँ पर फाइव सेवेंटी टू आईलैंडस हैं जिनमें से थर्टी सेवन इन्ेबिटेड हैं इनके सैंतीस पर जो थर्टी सेवन पर ही लोग रहते हैं अंडमान एंड निकोबार आईलैंड में वहाँ का हमने पढ़ा था कि एरिया कितना है वहाँ का थर्टी टू स्क्वायर किलोमीटर था यहाँ पर जो हमारा एरिया है एट थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोटी नाइन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है द एंटायर ग्रुप ऑफ आईलैंड इज़ डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज द अंडेमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ तो पूरा ही जो अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है नॉर्थ और साउथ में नॉर्थ में अंडेमान है और साउथ में निकोबार है इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्सन ऑफ सब मरीन माउंटेन्स ऐसा माना जाता है कि पानी के नीचे दबे हुए जो माउंटेंस हैं उनका ही थोड़ा ऊपर उठा हुआ ये पार्ट है these island groups are of great strategic importance for the country so island island groups jo hamare hain india ke liye bahut hi zyada ye important hain there is great diversity of flora and fauna in this group of islands too तो अंडमान निकोबार एलिन में भी बहुत तरह के अलग अलग तरह के फ्लोरा और फना पाए जाते हैं दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्विटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर तो जैसा हमने पढ़ा है कि इंडिया का जो नदन टिप है कन्याकुमारी एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ पर लाए करता है इक्वेटर के रेफरेंस से तो इसी तरह से ये भी इक्वेटर के बिल्कुल ही नज़दीक आते हैं और यहाँ पर थिक फॉरेस्ट इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पर रहता है सो डू यू नो दर इज़ अ क्वेश्चन जी के बेस्ट क्वेश्चन इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्कैनो इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडेमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आईलैंड सो इंडिया का जो एक मात्र एक्टिव वोल्कैनो है वो बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है जो कि अंडेमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आईलैंड का ही एक पार्ट है अभी हम इन सभी चीज़ों को एक बार मैप पर देखते हैं सो so यदि हम अंडेमान निकोबार आईलैंड को थोड़ा सा जूम करें तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा सो so नॉर्थ में हमारा यहाँ पर अंडमान है और साउथ में यहाँ पर निकोबार है सो तो पहले एक बार अंडमान के बारे में थोड़ा में पढ़ते हैं अंडमान को जो है नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान इन चार पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो साउथ अंडमान में लाई करती है और जो बैरन आइलैंड हमने पढ़ा है कि एक एक्टिव वल्कैनो है इंडिया का वो यहाँ पर है बैरन आइलैंड इसके साथ यहाँ पर एक डोरमेंट आइलैंड भी है जिसका नाम नारकोंडम आइलैंड है वो यहाँ पर लाया करता है अब यहाँ पर जो कार्निकोबार यानी कि निकोबार वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है और ऊपर लिटल अंडेमान अंडेमान और निकोबार को अलग करने वाला जो है टेन डिग्री चैनल उसको हम कहते हैं जैसे कि टेन डिग्री नॉर्थ में ये लाई करता है यहाँ पर टेन डिग्रीज़ के बीच में इन दोनों को अलग अलग करता है सो निकोबार आइलैंड को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कार निकोबार लिटिल निकोबार और ग्रेटर ग्रेट निकोबार सो जो हमारा सदरन मोस्ट पॉइंट है इंडिया में आ, यूनियन का इंदिरा पॉइंट वो यहीं पर लाई करता है ग्रेट निकोबार में और सो so, इस तरह से हमने इंडिया के सभी फ़िजिकल फ़ीचर्स को पढ़ा है अब लास्ट में थोड़ा इसको सम अप करते हैं अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन तो अलग अलग यदि हम इनको डिटेल्स में पढ़ें अलग अलग इनको इनके हाईलाइट्स करें तो सभी ही जितनी फिजिकल फीचर्स इंडिया की हैं सभी की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है इट वुड हाव एवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक्स द कंट्री रीचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज सो so, सभी जितने भी हमारे पास फिजिकल फीचर्स हैं वो एक दूसरे को पूरा करते हैं एक दूसरे के साथ ही हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के और सभी का योगदान रहता है हमारी कंट्री को रिच बनाने में नेचुरल रिसोर्सेज में द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ सो माउंटेन्स सबसे पहले हमने जो पढ़े थे हिमालयन माउंटेंस उसकी यदि हम फीचर की बात करें तो वाटर और फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा वो वेल्थ हैं द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री यानी कि अनाज के भंडार हैं नदरन प्लेन्स दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन और जो हमारी पहले वाली सिविलाइजेशन थी वो यहीं पर पाई गई है लोगों की क्योंकि यहाँ पर रिवर्स पाई जाती हैं द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स प्लेटू वाले पार्ट में जो हमें मिनरल्स मिलते हैं विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री जिसने उद्योगिकरण में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़ सो so, हमारे कोस्टल एरिया हैं और आईलैंड है वहाँ पर फिशिंग के लिए और जो पोर्ट एक्टिविटी हमारी होती है वो उसके लिए उनकी इम्पोर्टेंस है दस द डाइवर्स फिज़िकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ द डेवलपमेंट तो इसी तरह से जितने भी अलग अलग फ़ीचर्स होंगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा डिवेलपमेंट कर पाएगी बहुत ही ज़्यादा डिवेल्प होगी सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया थैंक यू वेरी मच